नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्काईटेक न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो मेरे को बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर के जो नए हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप हमें बेसिक नॉलेज के बारे में वीडियो बनाई के बताइए, जो कि मैं शेयर बाज़ार क्या है, शेयर्स को कैसे खरीदे और बेचे जाता है और कुछ इस बारे में जानकारी जो हो सके बेसिक में। ये देखिए दोस्तों, ये चार से पार्ट पांच पार्ट में वीडियो बनेगी, तो अभी खाली समय में आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और शेयर मार्केट में जानकारी ज़रूर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शेयर बाज़ार क्या है, कंपनियां शेयर्स कैसे जारी करती है, शेयरों की कीमतें कैसे बदलती है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है और शेयर बाज़ार का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये सिर्फ और सिर्फ नए लोगों के लिए है, जिन्हें भी मार्केट के बारे में बाकी थोड़ी बहुत जानकारी है वो वीडियो स्किप करे तो भी चलेगा। तो दोस्तों, हम अभी देखते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, शेयर बाज़ार क्या है और वो कैसे चलता है। तो हम देखेंगे शेयर बाज़ार क्या है। स्टॉक मार्केट दोस्तों ऐसी जगह है जहाँ पे शेयर्स हो, डिबेंचर हो, जिसके जो भी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज है उसको खरीदा या बेचा जाता है। शेयरों मुख्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही खरीदे बेचे जा सकते हैं। अभी जो पहले तो भी पेपर वर्क होता है, अभी सब डिजिटल होने के कारण ये दोनों एक्सचेंज के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर स्टॉक्स को लिया और बेचा जाता है। कंपनियां शेयर्स कैसे जारी करती है। सर्वप्रथम कंपनियां अपने स्टॉक का IPO लाती है, जो एक्सचेंज के थ्रू कंपनी ही उसकी प्राइस डिसाइड करती है और एक बार वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया तो उसके बाद में निवेशक अपने ब्रोकर्स के थ्रू उसके अंदर खरीदारी और बिकवाली आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे शेयरों की कीमतें कैसे बदलती है। कंपनी जब भी IPO लाती है उसका रेट जो है कंपनी खुद निर्धारित करती है, उसके बाद में एक बार स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट हो गया तो उसका मूल्य जो है शेयर्स की मांग, डिमांड और सप्लाई पे निर्धारित होता है, वो जो एक्सचेंज द्वारा किया जाता है। अगर शेयर की तुलना में खरीदने वाले ज़्यादा होंगे तो शेयर की कीमत ऑब्वियस है कि बढ़ेगी, ऊपर जाएगी, और बेचने वाले ज़्यादा होंगे तो शेयर्स की कीमतें कम होगी। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। सेंसेक्स और निफ्टी एक दोनों इंडेक्स है जो इंडिया की इंडेक्स कहे जाते हैं, जिसके अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो निफ्टी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है BSE है। BSE के अंदर जो है 30 शेयर्स होते हैं वो निर्धारित करते हैं, उनके प्रदर्शन के ऊपर सेंसेक्स की चाल रहती है नीचे या ऊपर। वैसे ही निफ्टी के अंदर 50 शेयर्स होते हैं, 50 शेयर्स ही उनकी जो मूवमेंट होती है, जो अच्छी मूवमेंट के ऊपर अगर प्लस रहते हैं तो निफ्टी आगे बढ़ता है, बोले तो ऊपर जाता है। तो वैसे ही बुरी मूवमेंट, नेगेटिव मूवमेंट के ऊपर निफ्टी नीचे आता है। तो ये सब उस स्टॉक के ऊपर इंडेक्स की मूवमेंट होती है। तो शेयर बाजार का जो समय है, जो भारत के अंदर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9:15 से दोपहर में 3:30 तक होता है, जो दोनों भी एक्सचेंज के अंदर होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों एक साथ ही वर्क करती है। तो चलिए दोस्तों, बस यही बेसिक जानकारी मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को देनी थी। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत।